92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर यह सहर कार्यक्रम में लेकर आ गया हूं आपके सामने, आपका अपना अनूप जलोटा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको कथाएं सुनाते हैं, मंदिर की ओर ले चलते हैं, किसी अच्छे कलाकार का परिचय देते हैं, उनका गायन सुनाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एक गुरु नानक देव महाराज जी के दोहे से। देखिए वो कितनी बड़ी बात कहते हैं। गांजा भंग अफीण मद, गांजा भंग अफीण मद, उतर जात पर भात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये जितने नशे हैं, गांजा भंग अफीण मद, ये सब जो नशे हैं, रात को करिए सुबह उतर जाते हैं। आप सुबह सो के उठिए तो पता लगा कल पता नहीं क्या नशा किया था, खत्म हो गया, निकल गया। लेकिन ईश्वर की भक्ति का जो नशा है वो जिंदगी पर लगा रहता है, वो कभी नहीं उतरता। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, एक वो खुमारी जो है ईश्वर के नाम की, वो कभी नहीं उतरती। तो क्यों ना ऐसा नशा किया जाए जिसमें कुछ खर्चा भी ना हो और वो जिंदगी भर चढ़ा रहे, वो नशा कभी उतरे ही नहीं। गुरु नानक देव महाराज जी ने एक दोहा कह के सबको ये समझा दिया कि सबसे बड़ा नशा कौन सा है और कौन कौन से नशे आपको छोड़ने हैं। क्योंकि वो जन सुधारक थे, वो बातें करते थे जिससे समाज सुधरे। केवल भगवान का नाम लेने से ही समाज नहीं सुधरेगा, ऐसी ऐसी बातें समझाते थे जिससे कि समाज के अंदर अच्छी आदतें पड़ती थी। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। अभी आपने सुना ये दोहा और अब मैं आपको ले चलता हूँ एक सुंदर मंदिर की ओर। आज आपको लेके चलता हूँ मैं शिमला। जी हाँ, ठंडी बढ़ गई है और मैं आपको ठंडी जगह ले जा रहा हूँ। जाखू मंदिर शिमला चलते हैं, उसकी कथा आपको सुनाता हूँ। वहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम है जाखू पहाड़, उसी पर ये मंदिर है। ये शिमला की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के भी दर्शन कराती है। आप एक बार वहाँ जाके देखें। दशहरे के टाइम पे जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसका भी आनंद आप ले सकेंगे। कथा ऐसी है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और मूर्छित हो गए तो हनुमान जी को कहा गया कि आप संजीवनी बूटी लेके आइए। वे गए संजीवनी बूटी लेने। उस पहाड़ पर उनको संजीवनी बूटी तो समझ नहीं आई कौन सी है, तो पूरा पहाड़ वो ले आए। और उसके बाद जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए तो वो पहाड़ वापस वहाँ रखने गए हनुमान जी। जब पहाड़ रखकर वापस आ रहे थे तो जहाँ उन्होंने थोड़ा आराम किया वो यही स्थान है जाखू पर्वत। कहते हैं कि हनुमान जी का जो वजन था उससे वो पहाड़ की जो चोटी थी वो मैदान नुमा हो गई, फ्लैट हो गई, और वहीं पर आज ये जो मंदिर हम देखते हैं जाकर, ये वहीं पर ये मंदिर बना है जाखू पहाड़ पर। बहुत से भक्तगण आते हैं मंदिर में, आनंद लेते हैं, और उस मंदिर में बंदर बहुत हैं, तो आप समझ सकते हैं हनुमान जी का जो कनेक्शन है वो बंदर से तो है ही, तो वहाँ बंदर बहुत हैं हर तरफ। वहाँ पास में ही 2010 में एक हनुमान जी की बहुत ऊंची मूर्ति बनाई गई जो करीब 98 फीट ऊंची है, और वहाँ से पूरा शिमला दिखता है। यदि आप उस स्थान पर जाएं तो उस सुंदर शहर शिमला के आप दर्शन कर सकेंगे और जाखू मंदिर के भी दर्शन कर सकेंगे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, और अब आपको मैं एक भजन सुना दूं। हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे। जिनके द्वारे पर गंग बहे, जिनके द्वारे पर गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया, तिन कूप का नीर पिया न पिया, जिनके
हृदय हरि नाम बसे। जिन काम किया परमार्थ का, जिन काम किया परमार्थ का, जिन काम किया परमार्थ का, तिन हाथ से दान दिया न दिया, तिन हाथ से दान दिया न दिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे। जिन मात पिता की सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ व्रत किया न किया, तिन तीर्थ व्रत किया न किया, जिनके हृदय हरि नाम बसे। तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे, भगवान बसे, राधे श्याम बसे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। अब इस सहर कार्यक्रम में आपके सामने एक बहुत अच्छे कलाकार को लाता हूँ, आपको मिलाता हूँ और उनका संगीत सुनाता हूँ। 92.7 बिग एफएम पर आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक बहुत अच्छी गायिका को। आप हैं अंजना चटर्जी। अंजना और इनकी बहन सुमना, ये दोनों हमारे साथ बचपन से गाती रही हैं। मैं, हम लोग सब हम उम्र हैं और हम लोगों ने साथ में न जाने कितने प्रोग्राम किए हैं। और इनके माता पिता जो अब इस संसार में नहीं है, उन्होंने संगीत जगत में बहुत काम किया है, बहुत नाम किया है, श्री विनोद चटर्जी और श्रीमती सहाना चटर्जी। हम इतना ही कह सकते हैं कि आप ये समझ लें कि मैं इस घर में पला हूँ। जब मैं छोटा था तो इनके घर में ही गाते रहते थे, रियाज करते रहते थे और कार्यक्रमों की प्लानिंग करते थे। तो आज अंजना चटर्जी हमारे साथ हैं। अंजना, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुप जी। मैं तो तुमको आला बोलता हूँ, आला। हाँ बिल्कुल। और सब याद हैं वो सब बातें बचपन की, कितने आनंद। हम लोग तो हमजोली हैं एक तरह से कहा जाए तो। बिल्कुल है, कितने कार्यक्रम किए, क्या क्या मजे किए। तो एक तो थोड़ा सा अपने पापा के बारे में बताओ। मेरे गुरु मेरे पिता ही हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है अपने पिताजी से सीखा है, माताजी से सीखा है। और वो एक संगीत के साधक थे, उनका यही मानना था कि संगीत की शिक्षा कभी भी खत्म नहीं होती है, सारी जिंदगी इंसान उसको करता रहता है, साधना करता रहता है। और वो भी अपने आखिरी सांसों तक संगीत की सेवा में जुटे रहे, संगीत की सेवा करते रहे। उन्होंने हम लोगों को भी जो भी उनको आता था उन्होंने सिखाया। उन्होंने अच्छे गुरुओं से ज्ञान भी प्राप्त किया था। बचपन में उनके पास फयाज खान साहब की तस्वीर हम लोग देखा करते थे, शुंगलू साहब से वो सीखा करते थे। हमें याद है स्वरूप कुमारी बख्शी की, पिताजी शुंगलू साहब से उनको क्लासिकल की शिक्षा प्राप्त होती थी, घंटों बैठ के रियाज करते थे। और यही सब सुन सुन के हम लोगों ने सीखा। और उनके विषय में क्या कहूँ, कितना अच्छा लग रहा है वो सब पुरानी बातें सुन के, लखनऊ की बातें। हाँ। और आज हमारे श्रोताओं को तुम क्या सुनाने जा रही वाला? मैं दो लाइन सुनाती हूँ, पापा की एक कॉम्पोजिशन है। करुणा सुनो शाम मेरी, करुणा सुनो शाम मेरी, मैं तो हो रही चेरी तेरी, करुणा सुनो शाम मेरी। वाह 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 वाह, आला, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। और अंकल के स्टाइल का जो कंपोजिशन है उसका कितना अच्छा, उनकी बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शहर कार्यक्रम में आने का। और एक बार फिर जल्दी बुलाएंगे, फिर मुझे और अंकल की कुछ कंपोजिशन गाकर यहाँ सुना। थैंक यू। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना अंजना चटर्जी को। और आज का सहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह, बिल्कुल समय पर पहुंच जाएंगे आपके सामने। आप अपना रेडियो ऑन करिएगा, मैं वहीं पे होऊंगा। तब तक इजाजत दें अनूप जलोटा को, नमस्कार। सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7